नमस्कार, मैं प्रिया। आज 1 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार समाज कल्याण विभाग ने निकाली रिक्तियां। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, लेकिन इंडस्ट्री ने की खास अपील। बिहार के सभी जिलों में मोदी नगर और नीतीश नगर बसाएगी सरकार। बिहार के पंचायतों पर मेहरबान हुआ केंद्र। रोहित शर्मा हुए 5वें टेस्ट से बाहर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार समाज कल्याण विभाग ने निकाली रिक्तियां। बिहार समाज कल्याण विभाग ने सामाजिक कार्यकर्ता के कुल मिलाकर 52 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 11 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, लेकिन इंडस्ट्री ने की खास अपील। बिहार समेत देश भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि यह निर्णय बहुत पहले ही सरकार ने ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद बिहार थर्मो फार्मर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, पहले इसके विकल्प के बारे में सोचा जाए। विकल्प मिलने के बाद ही किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाना उचित होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस प्रतिबंध को लागू करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की मांग की गई है। बिहार के पंचायतों पर मेहरबान हुआ केंद्र। बिहार के पंचायतों के विकास को लेकर अब पैसों की कमी नहीं होने वाली है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बिहार के सभी पंचायतों के लिए 7 अरब से ज्यादा राशि जारी की है। इसकी जानकारी खुद बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। सम्राट चौधरी की माने तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में अब भारत सरकार ने अनटाइड अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में 768.40 करोड़ रुपए बिहार के 8067 ग्राम पंचायत, 533 पंचायत समिति और 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र से मिली राशि का प्रयोग तीनों के बीच में 70-15-15 के अनुपात में खर्च किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को 533.88 करोड़, पंचायत समिति को 115.26 करोड़ और जिला परिषद के 115.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिहार की बेटी ने अपने नाम किया एक और कीर्तिमान, बनी पहली महिला साइक्लिस्ट। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी बीच अब बिहार की एक और प्रतिभा ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। छपरा की साइक्लिस्ट सबिता महतो एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइक्लिस्ट बन गई है। उमलिंगला के पास पहुंचने के लिए वो पास रोथनला, बरलाचल, नाकिला, लाचुनला, तनंगला और नोरबुला को पार करते हुए पहुंची है। सबिता महतो ने 5 जून को अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू की थी और 28 जून को अपनी मंजिल तक पहुंच गई, जिसके बाद ही अब जल्द ही सबिता भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करेंगी। वो चाहती हैं कि वो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराएं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे विधान चंद्र रॉय की। विधान चंद्र रॉय MRCP FRCS एक भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, परोपकारी, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, जिन्होंने 1948 से 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। विधान रॉय को अक्सर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है। कई संस्थानों और शहरों, दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर और अशोकनगर की स्थापना में वो इतिहास के उन चंद लोगों में से एक है जो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के फेलो और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के सदस्य दोनों बन गए। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर साल 1 जुलाई को उनकी याद में मनाया जाता है। विधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना के बांकीपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता प्रकाश चंद्र रॉय एक आबकारी निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। बिहार में यहां इंडियन रेलवे ने बनाया नया कीर्तिमान। इंडियन रेलवे आए दिन अपने नाम नए नए कीर्तिमान को स्थापित करता रहता है। अब इसी बीच इंडियन रेलवे ने बिहार के रोहतास में विकास की नई कहानी लिख दी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार रोहतास जिले के सोन नदी पर एक साथ 5 फ्रेट ट्रेनों को सफल परिचालन किया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया। ऐसे में देहरी के सोन नदी पर बने रेल पुल पर एक साथ 5 ट्रेनों का परिचालन कर रेलवे ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि एक साथ 6 ट्रेनों के सोन ब्रिज से गुजरने की व्यवस्था भी की गई है। बिहार के 104 ब्लॉक में पंचायती राज पदाधिकारी की पोस्टिंग। बीते दिन बिहार के 104 ब्लॉक में पंचायती राज पदाधिकारी की पोस्टिंग शुरू हुई है। इसके तहत अब BDO की जगह पंचायत समिति EO का काम देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन पंचायती राज विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित बिहार पंचायत सेवा के निम्नांकित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को स्थानांतरित कर दिया है। इसकी पूरी सूची बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से साझा कर दी गई है, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं।
बिहार के सभी जिलों में मोदी नगर और नीतीश नगर बसाएगी सरकार। बिहार के हर जिले में अब मोदी नगर और नीतीश नगर का निर्माण सरकार करवाने जा रही है। इसको लेकर बिहार की नीतीश सरकार एक नई कार्य योजना बनाने जा रही है, जिसकी जानकारी हाल ही में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत रॉय ने दी है। उन्होंने भी कहा है कि भूमिहीन को कॉलोनी बनाकर बसाया जाएगा। फिलहाल 8 जिलों में इस योजना के तहत काम करने का निर्णय लिया गया है और कई जिलों में एक ही जगह बड़ा भूखंड का सर्वे कराया जा रहा है। जो सरकारी हो उस पर कॉलोनी बनाकर भूमिहीनों को दिया जाएगा। सभी जिलों में इस तरह की 2 कॉलोनी बनाई जाएगी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में फरार अभियुक्तों के खिलाफ होगी कुर्की जब्ती। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद भदभदा चुकी बिहार की नीतीश सरकार अब इस पूरे मामले में संलिप्त दोषियों को पकड़ने में लगी हुई है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में अब जांच का दायरा भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत ही आर्थिक अपराध इकाई के विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी की तरफ से जदयू नेता और गया के डेल्हा स्थित रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार की गिरफ्तारी के बाद उनके नंबर की सीडीआर से 3 और नेता के नाम सामने आए हैं। हालांकि इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई अब इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी है। वहीं गिरफ्तारी वारंट और कुर्की जब्ती का आदेश भी कोर्ट से ले लिया गया है। निगरानी विभाग ने फिर की बड़ी कार्रवाई। इन दिनों निगरानी विभाग एक के बाद एक ऐसे लोगों की तलाश में लगी हुई है जो धन कुबेर बनने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। विभाग ऐसे ही लोगों को अब चुन चुन कर पकड़ने का काम कर रही है। अब इसी बीच बीते दिन निगरानी विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली। निगरानी विभाग की विशेष टीम के द्वारा आज गया जिलानांतर्गत इमामगंज अंचल के नाजीर अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। अजीत कुमार को 19,500 रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इनके खिलाफ निगरानी थाना ने मामला दर्ज कर छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी विभाग के द्वारा लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। आज से नियमों में हो सकता है बदलाव। 1 जुलाई से होने वाले बदलाव का असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ने वाला है। दरअसल इस बदलाव के बाद से कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से आपको असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन कारोबार करने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सेव नहीं कर पाने की। 1 जुलाई के बाद से आईटी अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टो करेंसी के लिए लेन देन के नियमों में बदलाव हो जाएगा। जुलाई 2022 के बाद से आपको 2 गुना पैसा भरना पड़ सकता है। बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है, लेकिन उसे बढ़ाकर के 30 जून कर दिया गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद से पैन आधार नहीं जुड़े रहने पर 1,000 रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है। जुलाई के बाद से सरकार नया लेबर कोड भी जारी कर सकती है और 1 जुलाई से लागू होने वाले नए लेबर कोड के बाद से ये कहा जा रहा है कि कामगारों को इन हैंड सैलरी में भी कमी आ सकती है। इसके साथ ही 1 जुलाई के बाद से दोपहिया वाहनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 1 जुलाई 2022 के बाद से व्यवसाय से प्राप्त होने वाली 10% की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देना भी पड़ सकता है। बिहार में अब नहीं होगी बिजली की किल्लत। बिहार में आने वाले दिनों में बिजली की कमी खत्म होने वाली है, क्योंकि नवीनगर एनटीपीसी की तीसरी यूनिट से भी विद्युत उत्पादन का काम शुरू हो गया है। खबर के अनुसार तीनों यूनिट के बिजली उत्पादन की क्षमता 660 से 660 मेगावाट की है और पूर्व में स्थापित 2 यूनिट से बिजली का उत्पादन पहले से ही हो रहा था। अब तीसरी यूनिट से भी बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। बिहार के सभी जिलों में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में इन दिनों बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बिहार के लगभग 38 जिलों में मॉनसून की एंट्री भी हो गई है, जिसके बाद ही अब बिहार के सभी जिलों में अगले 72 घंटों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। इतना ही नहीं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कुछ भागों में भी 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके साथ ही मेघगर्जन और वज्रपात को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही बिहार के 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। नवादा के ककोलत में आया सैलाब। बिहार के कश्मीर के नाम से मशहूर नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में स्थित ककोलत जलप्रपात में बुधवार को अचानक ही सैलाब आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये मामला बीते सुबह का है। ककोलत जलप्रपात के पानी की रफ्तार काफी तेज हो गई और कुंड में पानी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। उस वक्त जलप्रपात में तकरीबन 1,000 सैलानी मौजूद थे और जलप्रपात का लुफ्त उठा रहे थे। अचानक पानी की रफ्तार की गर्जना और जल स्तर में वृद्धि से ककोलत में अफरा तफरी मच गई। जलप्रपात के मौके पर मौजूद रहे ककोलत के केयरटेकर यमुना पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से एक एक कर सभी सैलानियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार को मिला एमएसएमई अवार्ड।
बिहार उद्योग के क्षेत्र में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच अब बीते दिन उद्योग के क्षेत्र में बिहार ने अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज करवाई है, जिसके तहत ही राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड में दूसरा पुरस्कार मिला है। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पंडित ने बीते दिन पीएम मोदी के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया। बिहार की इस उपलब्धता के बाद राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खासे उत्साहित दिखे और उन्होंने बिहार को मिली सफलता पर सबको बधाई दी है, जिसके बाद ही उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार सरकार की तरफ से उद्योग प्रोत्साहन के लिए नीति पर चलते वे निवेशकों को सहूलियत देने का काम हो रहा है। बिहार की नदियों में गहराया बाढ़ का संकट। बिहार में मॉनसून की दूसरी बारिश से बाढ़ के हालात अब गहराने लगे हैं, जिससे ही बिहार में बाढ़ की हालत और चिंताजनक होती जा रही है, जिसकी वजह से ही नेपाल के तराई इलाकों और उत्तर बिहार में बारिश हो रही है, जिसके कारण ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कोसी, महानंदा, गंडक समेत कई नदियां उफान पर है। सुपौल में रहने वाले लोग कोसी के बढ़ते जलस्तर के कारण दहशत में है। कोसी नदी ने अपने जल में कई दर्जनों घरों को अपने आगोश में ले लिया है और अररिया जिले में भी कटाव का हाल उत्पन्न हो गया है। देहटी घाट पर बना कलवर्ट का आधा हिस्सा नदी में विलीन हो गया। महानंदा और डोंग के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार के 7 जिलों में नए डीटीओ की हुई पोस्टिंग। बिहार के सभी सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत ही बीते दिन परिवहन विभाग ने भी बिहार के कई जिलों के परिवहन पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया। इसको लेकर जरूरी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत ही अब 7 जिलों में नया जिला परिवहन पदाधिकारी का पदस्थापना करने का काम हो चुका है। वहीं जिन जिलों में डीटीओ की पोस्टिंग का काम हुआ है, उसमें कैमूर के डीटीओ रामबाबू को रोहतास का जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रमोद कुमार को मोतिहारी, राजेश कुमार को दरभंगा, नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार को जहानाबाद, मनोज कुमार रजक को गोपालगंज, अनुराग कौशल को नवादा, रवि कुमार को नालंदा में पदस्थापित किया गया है। गंगा नदी में स्नान नहीं करेंगे अब एनआईटी के छात्र। एनआईटी पटना के छात्र पढ़ाई के दौरान गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर शपथ पत्र पर खुद और अभिभावक के हस्ताक्षर कराने के बाद संस्थान में जमा करवा दिया गया है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कई छात्रों की जान गंगा नदी में डूबने के कारण गई है। इसी साल 21 मई को आंध्र प्रदेश के छात्र की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही अब घटनाओं को देखते हुए एनआईटी प्रबंधन ने नामांकन के समय में इस तरह का शपथ पत्र लेने का निर्णय लिया है। वहीं इसकी जानकारी एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन ने दी है। उन्होंने ही बताया है कि छात्रावास में रहने वाले छात्र अप्रिय घटना का शिकार ना हो जाए, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशांत किशोर ने 7 निश्चय योजना को बताया पूरी तरह से फेल। जनसुराज अभियान के शुरुआत के साथ ही बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर बीते दिन बिहार के बेतिया जिले में पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने बिहार की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा की और उसकी कई खामियों को भी गिनवाया। इस दौरान ही मीडिया से बातचीत करने के क्रम में उन्होंने कहा कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके लिए जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए बिहार में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना को पूरी तरह फेल बताया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके प्रशांत किशोर लोगों की राय जानने के लिए लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने बयानों से फिर मचाई सनसनी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसके बाद ही अब एक बार फिर से तेज प्रताप ने अपना बयान जारी करते हुए सनसनी फैला दी है, जिसके तहत ही राजद विधायक तेज प्रताप ने गुरुवार को फिर से एक बड़ा बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि लालू यादव ने अभी छोटा खेल खेला है, बड़ा खेला होना अभी बाकी है। कुछ बातें गुप्त हैं, जल्द ही वो सामने आएगी। हसनपुर एमएलए का इशारा किस ओर था फिलहाल ये उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन इसके बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं जरूर शुरू हो गई है। सबसे बड़ी पार्टी बनी राजद, क्या बिहार में बनाएगी सरकार? राबड़ी देवी ने दिया जवाब। बिहार में एआईएमआईएम को झटका देते हुए 4 विधायकों को अपने खेमे में शामिल करने वाली राजद अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके बाद ही ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या राजद अब बिहार में सरकार बनाने की कोशिश करेगी, जिसका ही जवाब बीते दिन राबड़ी देवी ने दिया, जिसके तहत ही मानसून सत्र के आखिरी दिन धरने पर बैठी राबड़ी देवी ने कहा कि अग्निपथ को लेकर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है, इसलिए हम लोग वेल में बैठे और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सदन में सुनवाई नहीं होगी, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो सदन में बैठकर क्या होगा। साथ ही राबड़ी देवी ने एक बार फिर से दोहराया कि अग्निपथ स्कीम को केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, ये हमें पता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्यों गुमराह करेंगे, लोग बेवकूफ नहीं हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 186 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 993 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 4, बांका में 1, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 15, दरभंगा में 4, ईस्ट चंपारण में 1, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 3, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 6, पटना में 90, पूर्णिया में 4, रोहतास में 6, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 8, सीतामढ़ी में 4, सुपौल में 2, वैशाली में 3, वेस्ट चंपारण में 1,
मामले की पुष्टि हुई है। वहीं एक ऐसे मामले की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए थे। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 125,179 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 126 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कई दिनों से राजधानी पटना में और पूरे बिहार में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद से ही कई जिलों में एक बार फिर से नियमों को सख्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। शिवसेना के एक बागी गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बता दें कि भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उसके बाद सभी लोग चौंक गए, क्योंकि इससे पहले यही कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन फडणवीस के ऐलान के साथ ही शिवसेना के बागी गुट में खुशी की लहर है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैंने जो निर्णय लिया वो आप सबको पता है, किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया ये भी आपको पता है। बाला साहब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सभी 50 विधायक साथ में हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज सेना के बीच पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में हुआ। भारत में 1879 को पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की। देश की पहली साइंस सिटी 1997 को कोलकाता में स्थापित की गई। दलाई लामा के मुद्दे पर चीन के अधिकारियों के साथ तिब्बत के दूतों की वार्ता 2007 में शुरू हुई। भारत में 2017 को अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म 1927 में हुआ। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला का जन्म 1961 में हुआ। कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से वो भी एक थी। भारत रत्न सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ विधान चंद्र रॉय का निधन 1962 में हुआ था। आज ही के दिन को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रोहित शर्मा हुए 5वें टेस्ट से बाहर। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इस बात की आधिकारिक जानकारी दे दी है कि कप्तान रोहित शर्मा कोरोना के कारण इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से होने वाले 5वें टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। रोहित शर्मा की दूसरी कोविड-19 रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। ऐसे में उनकी जगह जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के नेक्स्ट कप्तान होंगे। BCCI के सचिव जय शाह ने मीडिया रिलीज में कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा शुक्रवार से इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पुनर्निर्धारित 5वें टेस्ट से बाहर हो गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लालू यादव को लगा झटका। अब टक्कर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच में मुकाबला होने वाला है, जहां कुल प्राप्त हुए 115 नामांकन पत्रों में से 28 प्रस्तुत करते वक्त ही खारिज कर दिए गए थे। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव के लिए 72 उम्मीदवारों के बाकी 87 पत्रों में से 79 को आवश्यक मानदंड पूरा नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 2 जुलाई को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद ही अब यह तय है कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा चुनाव में मुख्य उम्मीदवार हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मिशाब अदनान, मोहम्मद फैजान, गौतम कुमार, विजय घायल, रंजीत मिश्रा, कुमुद अमर आजाद, प्रदीप कुमार, जितेंद्र कुमार, आदित्य कुमार, रवि कुमार, अजय कुमार सिंह, दर्पण सिंह, मंटू मौर्य, सूरज कुमार, रीता कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज से प्लास्टिक बैन के फैसले से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।